तो आज जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये दारुल उलूम ताजुल मसाजिद बहुत ही ऐतिहासिक जगह है मध्य प्रदेश की और पूरे वर्ल्ड में यहाँ की मस्जिद बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ के मीनारे, यहाँ के दरो दीवार, एक तारीखी जगह भी है यहाँ की। और आज जो मैं जिसके साथ तबादले ख्याल करने जा रहा हूँ, मौलाना इमरान खान साहब के साहबजादे हैं और यहाँ के इस वक्त के डायरेक्टर भी हैं और इससे पहले बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के अरबी के लेक्चरर भी थे। तो हजरत, मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल के अंदर, चूंकि आप यहाँ के डायरेक्टर थे भी आज भी हैं, तो तारीखी जगह है, आपको क्या फील होता है इन बड़े मुद्दतों में खिदमत करके और इस वक्त कैसे हालात हैं? दारुल उलूम ताजुल मसाजिद एक ऐसा इदारा है कि एक मूवमेंट की शक्ल में कायम हुआ। अब पचासों मदरसे, हजारों मदरसे हिंदुस्तान में हो गए, लेकिन जो मकाम दारुल उलूम ताजुल मसाजिद का है वो किसी भी मदरसे का नहीं है पूरे इंडिया में। जी जी। कि यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, बड़े बड़े इदारे थे, बड़ी बड़े गोया संस्थाएं थी, तो वो सब 1 जून 1949 को ख़त्म हो गई। और चीफ कमिश्नर जिसने आके नवाब हफीजुल्लाह खान से चार्ज लिया था, उसने कहा कि अब हम सेकुलर काम करेंगे, मजहबी काम कोई से भी नहीं करेंगे, ना मुसलमानों के ना हिंदुओं के। तो जिसको कोई काम करना हो वो अपना संस्था बनाए और हमसे मस्जिद ले ले और इलाका ले ले। तो तमाम लोगों ने सब मस्जिदें ले ली, ताजुल मसाजिद कोई नहीं लेता था। जी जी। इतनी बड़ी मस्जिद है कि अगर ये ले ली और ढा गई तो अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा कि भाई तुमने इसको क्यों कबूल किया था। जी जी। लेकिन वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े हिम्मत और बाअज़्म आदमी थे और फरमाया करते थे कि मुझे बचपन से देख के बड़ा गम होता था कि अच्छी बड़ी चीज कौन बनाएगा। और अब नए हालात में तो सब कुछ उलट चुका था। तो पीर नंद मियां साहब जो मुजद्दिद खानदान का सिलसिला के बुजुर्ग थे हमारे यहाँ, वो वाले साहब उनके मुरीद थे, उनसे कहा तो उन्होंने भी बहुत इसरार किया। और सैयद सुलेमान नदवी साहब जो हैं वो काजी बनाकर नवाब हफीजुल्लाह खान उनको भोपाल लाए थे, वो वाले साहब के उस्ताद थे, उनसे मशवरा किया। तो उनका भाई सबसे बेहतर तरीका ये है इस्लाम को जिंदा रखने का कि एक दारुल उलूम कायम करो जो दारुल उलूम नदवी उलमा की शाख हो। तो ये अच्छा, वाले साहब की कोशिश ये थी कि रात को 1 जून 1949 को ऐलान हुआ कि खत्म। वो वाले साहब बहुत रोल अजम लोगों में थे। अगले दिन सुबह से शुरू मदी शकूर खान में फरमाया गया जो इसातिज़ा निकाले गए हैं इदारों से वो और जो तलबा निकले वो सब मदी शकूर खान में आ जाएं, और पढ़ाई शुरू हो गई और 6 महीने साल भर के करीब रहे। फिर 20 जुलाई 1950 फिर कोशिश की गई कि जो उमूर मजहबियात तो मैं हकमत नवाब साहब के जमाने से चला आ रहा था वो कुछ दिन तक चला। तो दरख्वास्त दी और उन्होंने ताजुल मसाजिद दारुल उलूम भोपाल को दे, उसका पहले हमारा नाम था दारुल उलूम भोपाल, जब ताजुल मसाजिद से जुड़ गए तो दारुल उलूम ताजुल मसाजिद भोपाल। अच्छा, ये जो आपका ताजुल मसाजिद का मस्जिद है जी, क्योंकि ऐतिहासिक जगह है जी, तो इसका रख रखाव के खर्चे बहुत आते हैं, जाहिर सी बात है जी। तो आप इसका मेंटेन कैसे करते हैं? गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है या आप लोग कैसे इसका करते हैं? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं लेते। कोशिश भी की गवर्नमेंट ने पुराने जमाने में, तो हम लोगों ने कहा नहीं हम कोई हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो कोर्ट्स में तदखुल करेंगे, वो फिर वो दखल देंगे। तो हमने कभी भी कबूल नहीं की है। सिर्फ इज्तिमा के जमाने में जो कुछ जरूरी चीजें हुआ करती थी, पानी वगैरह, बिजली वगैरह, बिल अदा करके वो ली जाती थी। और खुद हम लैपटॉप पे मेंटेन करते हैं और अल्लाह ताला ने मौलाना मोहम्मद इमरान खान नदवी अजहरी को ऐसी तौफीक दी कि उन्होंने ऐसा इदारा बना दिया कि अगर इसके सही किराए आने लगे तो हिंदुस्तान का सबसे मालदार इदारा हो जाए। किराया मौलाना इमरान खान साहब आपके वालिद मोहतरम रहे जी, उनके कुछ बातें एक आध दो पॉइंट जो दर्शक को बताना चाहते हैं आप जी बता सकते हैं कि इसके हाथे के अंदर उन्होंने क्या अंजाम दिया? जी हाँ, उनको उनको उनका एक उनको ये रगबत थी कि दारुल उलूम ताजुल मसाजिद जो है ये जामे अजहर का नमूना बने इंडिया में। अच्छा अच्छा जी जी, ये चाहते थे वो। और क्योंकि जामे अजहर में उन्होंने पढ़ा था और वो पहले हिंदुस्तानी थे जिनको जामे अजहर में दाखिला मिला। वहाँ वो कहते थे कि मिस्री अरब के अलावा कोई अरबी या उलूम इस्लामी सीख नहीं सकता मिस्र में। ये सब हिंदुस्तानी जो है ये सब बत्ताल होते, बेकार लोग होते हैं। तो वाले साहब नजवे से गए और बड़े काबिल तरीन लोगों में उन्होंने जाकर उनसे कहा कि हम तो तुमसे भी ज्यादा जानते हैं। कहाँ से आए? उनका नजवे से आए हम।
अच्छा, तो टेस्ट लिया गया, टेस्ट में कामयाब हुए। फिर सबसे हैरत की बात यह है कि फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन पास हुए पूरे मिस्रियों से ज्यादा, और धूम मच गई पूरे इंडिया में, धूम मच गई। भोपाल में उनके जो हमारे दादा थे वो इस्लामिक अफेयर्स के मिनिस्टर थे, बड़ा मकाम था उनका, सब लोग और पूरे नजवे के लोग और शिबली अकेडमी आजमगढ़ के लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं कि साहब एक ऐसे बच्चा जिसको दाखला नहीं मिल रहा था वो फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन पास हुआ। अच्छा, और ये जो ग्राउंड है आज हमें 2021 में जो दिख रहा है जी, ये किस पोजीशन में आप लोगों ने लिया था, पूरा गवर्नमेंट से या आपकी खुद की? असल में होता क्या है कि जब शाहजहां बेगम की हुकूमत थी या नवाब हमीदुल्लाह खान की, तो उनको ये ख्याल होता होगा कि हमारी हुकूमत कभी खत्म ही नहीं होगी, तो कोई भी चीज की तकमीलात पूरी नहीं की गई थी, औकाफ की पूरी बातें तय नहीं थी। तो हम लोगों ने जब उसकी दुकानें बनाने शुरू किया, दुकानें बनी है 1952 में, वालिद साहब ने दुकानें बनाने की कोशिश की, तो गवर्नमेंट ने और खासतौर पर अरविंद सेंट्रल जहाज शर्मा की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि ये तो सब सरकारी जमीन है, आप कैसे बना रहे हैं। तो मुकदमा चला, तो हम लोग लोकल कोर्ट से हार गए, और जज ने कहा कि आप कहते हैं कि पूरी ईदगाह थी तो आपने बीच में पखाने कैसे बना लिए। आइए बैठते हैं आराम से, बैठ के बात कर सकते हैं। जी तो फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, तो लोगों ने बताया कि हाई कोर्ट में तो 8 साल में पेशी आती है बड़ी मुश्किल से। जी तो फिर 1971 में इंदिरा गांधी, अच्छा वालिद साहब का क्योंकि मकाम हिंदुस्तान में बहुत बड़ा था, तो जो भी कोई बड़ा आदमी आया, कभी शेख अब्दुल्ला आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी फखरुद्दीन अली अहमद आए, तो उनसे कहेंगे भाई आप जरा मरकजी हुकूमत से कहिए कि ये मसाइल हल करें। तो इंदिरा गांधी की बड़ी अच्छी बात समझ आई, उन्होंने पीसी सेठी के जमाने में हुक्म दिया कि भाई ये मंदिर मस्जिद के मसाइल को हल करो। तो इस सिलसिले में फिर ये गवर्नमेंट का लेटर आया कि आप जो है अगर हमारी तस्लीम कर लें सरकार की और मुकदमा उठा लें तो हम आपको लीज पे दे देंगे। तो इस तरह ये पूरी जमीन हमें तकरीबन 14 एकड़ के करीब लीज पे मिली। अच्छा, ये तो हो गई इतिहास की बातें, लेकिन तकरीबन 1.5 साल से कोरोना का काल का पीरियड टाइम चल रहा है, ऐसे में मदरसे के हालात, तालीम का और माली हालात, तलबा की इमदाद का किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं आज के डेट में? बहुत बहुत प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, तमाम इदारों को भी आ रही है। लेकिन अल्लाह के शुक्र से जो थोड़े बहुत किरायेदार अच्छे हैं और किराया दे रहे हैं उससे हम इस काम को कर रहे हैं, और बहुत से इदारों ने तनख्वाह नहीं दी, देने की पोजीशन में नहीं है। हमने तो ये कोशिश की कि तमाम लोगों को बेसिक तनख्वाह दे रहे हैं हम, और कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे असातिज़ा हैं जो गैर मुस्तकिल हैं, 5-8 लोग, उनको निस्फ बेसिक दे रहे हैं, बाकी तनख्वाह किसी की बंद नहीं हुई। और जहन में ये आया कि ऑनलाइन तालीम को फौरन करना चाहिए, वो बहुत मुफीद है। हम लोगों का ध्यान इस तरफ बहुत चलता है क्योंकि वालिद साहब मिस्र में रहे, तो वहाँ की जदीद चीजें उन्होंने सीखी। मिस्र हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल आगे है, यूरोप के बिल्कुल करीब है। तो जब मैं 1995 में बना था तो उस वक्त मैं चाह रहा था कि लाइब्रेरी डिजिटल कर दूँ, कितनी पुरानी बात है, और मैंने कोशिश की, फिर वो ऐसे कुछ वाकयात पेश आए कि 1999 में हट गया, और फिर दूसरे लोग जिम्मेदार हो गए। अब जैसे ही मैं आया तो मैंने फौरन डिजिटल करने की कोशिश की, और माशाल्लाह बहुत बड़ी लाइब्रेरी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इस्लामियात की लाइब्रेरी है, तो डिजिटल हो गई है, और वेबसाइट के क्याम की फौरन कोशिश की, माशाल्लाह वो तैयार है, 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएगा। 4 जमानों में इसको बना रहे हैं हम, क्योंकि लोगों को बड़ी गलत मालूम होती हैं। एक बार सुना कि कहीं के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ताजमहल की तकमील की है, मैंने कहा मध्य प्रदेश कहते हैं तो समझ में भी आता कि छत्तीसगढ़ का क्या ताल्लुक। तो उसमें गलती हमारी भी है कि हमने कभी वजाहत नहीं की, कभी लिख के नहीं भेजा, विकिपीडिया में भी मालूम गलत हैं। तो अब हम सब जगह इश्तेहार देंगे कि ये हमारा वेबसाइट है जिससे आप मुस्तनद मालूम कर सकते हैं। अच्छा मौलाना, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ की बहुत पुरानी शाख है, पहले भी और आज भी, तो उस निस्बत से कितना फायदा पहुंचा आपको से? जी माली एतबार से नहीं, माली एतबार से तो हम लोग अलग अलग हैं। जी यानी इल्मी एतबार से हम जुड़े हुए हैं, बाकी माली एतबार से बिल्कुल अलग हैं। और हमारे उलमा का पुराना वो रहा है, वालिद साहब भी उसमें थे, मौलाना अजनिया भी, कि अगर आपने चंदों को जोड़ा या मिलाया तो बहुत कम होगा, लोगों का मिजाज नहीं है, तो चंदा और ये हर आदमी अपना अलग करे। और इल्मी तौर पर वालिद साहब रहमतुल्लाह तो अजीब गरीब शख्सियत थे कि ऐसे लोग पैदा हो नहीं सकते, डिग्री हम नहीं देंगे, लोगों का साहब आपको 50 साल हो गए आप डिग्री देंगे, नहीं डिग्री हम नहीं देंगे, तालिब इल्म का नुकसान है, डिग्री देने में हमारा नाम होगा कि हमारा इदारा पढ़ा है, लेकिन लड़के का नुकसान होगा, पढ़ाई हम पढ़ा के आखिरी साल नजबे भेजते हैं तो नजबे से डिग्री मिलती है।
टाटा नाम लगता है उसका जी, नदवे का जी, इससे फायदा पहुंचता है उसे, बहुत फायदा है कि नदवे को बने हुए 125 साल हो गए, 130 साल होने वाले हैं, और हमारे इदारे को बने हुए भी 70 साल हुए हैं। तो अब हालांकि ताजुल मसाजिद को भी दारुल अज़हर को भी मौका इसलिए बहुत मिल गया कि वालिद साहब का मकाम बहुत बड़ा, अरब मुल्कों में भी बहुत बड़ा मकाम है, हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा मकाम है, फिर तबलीग चाहिए कि जुड़ने से भी की वजह से भी दारुल ताजुल मसाजिद ने माफाओं का आधा तरक्की की है, आमतौर पर इतनी जल्दी तरक्की नहीं होती। अच्छा हजरत, एक सवाल मेरे ज़हन में और आता है कि यहाँ से तालीम का तो मयार नीचे जा रहा है हर इदारे का, यहाँ से आपकी नज़र इस मीनारे को देख के क्या लगता है, इस तालीम को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ तक पैमाना है जी? जी अभी जी तो यही चाहता है कि इस मीनारे से भी ऊंची हमारी तालीम जाए, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये तामीर हो रही थी तो मैंने वाले साहब रहमतुल्लाह से गुजारिश की कि ये 20 फुट कुतुब मीनार से छोटा है, जरा सा बढ़ा दीजिए तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीनार हो जाएगा। वाले साहब ने फरमाया कि भाई मुसलमानों के हालात ऐसे नहीं है कि अपन उनका खर्चा बेजरूरत करवाए, अपन तो बल्कि ये तामीर के सिलसिले में भी एक बात वजाहत कर दूं मैं कि ये तय हो रहा था कि शूरा में कि अगर आप पत्थर का बनाएंगे तो 4 गुना खर्च होगा और 100 साल महफूज रहेगी, मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। सीमेंट का बनाएंगे तो 1/4 खर्चा होगा लेकिन हर 25 साल में मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मतलब मैं कि भाई मुसलमानों के हालात नहीं है, हम तो सीमेंट ही बनाएंगे, तो उससे एक फायदा यह भी हुआ कि जो पत्थर का है वो शाहजहां बेगम का है और जो सीमेंट का है वो मौलाना का है की तकमील है। इससे ये फायदा भी हो गया कि आदमी आसानी से पहचान लेता है कि पुराना और नया क्या है, लेकिन उसको ऐसी महारत से जोड़ा गया है तमाम इंजीनियरों से मशवरा करके कि कोई नुकसान ना हो, कोई टूट फूट कभी ना हो, खुदा ना खास्ता। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मौलाना इमरान खान साहब के साहबजादे, जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक जो अपने अल्फाजों में दारुल उलूम ताजुल मसाजिद की कहानी बताई। और सच बात यह है कि बहुत बड़ा इदारा है और इस इदारे को आगे नस्लों तक ले जाने के लिए इस कौम की जिम्मेदारी है। और चूंकि इस वक्त कोरोना चल रहा है, गाइडलाइनें बहुत हैं, तालीम भी बंद है और इदारे भी हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के इदारे बंद हैं, इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, परबत न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।